गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस पूरे वीक में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। और आज हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो पता है कौन है? देखिए, क्या कोई बता सकता है ये कौन है? यस, वेरी गुड, दिस इज अ टाइगर। और टाइगर जो है इज द नेशनल एनिमल ऑफ आर कंट्री। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं इसको नेशनल एनिमल क्यों कहते हैं? टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आर कंट्री। इट हैज येलो फर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट। आपको पता है किस कलर का होता है टाइगर? येलो कलर का होता है उसका फर जो होता है, जो उसकी पूरी बॉडी होती है, जो फर होता है वो येलो कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक यानी काले रंग की स्ट्राइप्स होती हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल ऑफ आर कंट्री इन अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 के अंदर टाइगर को नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का खिताब मिला था। और आपको पता है कि ऐसा क्यों उसको खिताब मिला था? इट इज अ नेशनल एनिमल बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। टाइगर के अंदर ग्रेस है, वो बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। जब वो चलता है तो वो बहुत ग्रेसफुली चलता है, बहुत स्मार्टली चलता है। स्टैमिना है उसके पास बहुत ज्यादा, मतलब वो थकता नहीं है बिल्कुल भी। टाइगर जो है थकता नहीं है, उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा है, उसके पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब वो बहुत ताकतवर है। एजिलिटी का मतलब वो कोई भी चीज बहुत ही जल्दी करता है, बहुत अगर उसे कहीं जाना भी होता है वो फौरन वहां पे क्विकली वो वहां पर पहुंच जाता है। तो या अगर उसको कोई उसके पीछे आ रहा होता तो वो जल्दी से मुड़कर देख लेता है, बहुत जल्दी करता है सारी चीजें। तो उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसलिए उसको नेशनल एनिमल का खिताब मिला। और आपको पता है कि टाइगर्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और क्योंकि वो हमारा नेशनल एनिमल है तो हमें उसे बचाना चाहिए। हमें टाइगर को बचाना चाहिए और हमें टाइगर्स को कभी नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो अब से सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि टाइगर को हमें सेव करना है। अगर कोई भी उसको पकड़ कर रखने की बात करे तो हमें ऐसा नहीं करना है। टाइगर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। टाइगर को फॉरेस्ट में रहना पसंद है, उन्हें फ्रीली घूमना, मतलब उन किसी उसमें बंदिश में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि वो फ्रीली फॉरेस्ट के अंदर घूमे, क्योंकि वो ही उनका घर है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी भी केज के अंदर नहीं रखें, उन्हें फॉरेस्ट के अंदर घूमने देना चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे अब इस बात को? चलिए, ओके। अब आप लोग अपनी टाइगर बनाने की तैयारी करेंगे, अपना क्राफ्ट का आइटम तैयार करेंगे। हम फिर मिलेंगे, बाय।